देखो जॉम्बी काट दिया गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। एंड येस, यहाँ पे आपने देखा कि मम्मी का पूजा वगैरह हो चुका है, ऑलमोस्ट डन है। एंड मैंने यहाँ पे उपमा आज बनाया हुआ था सुबह सुबह, और मतलब कि सूजी बहुत कम था तो इसलिए तीनों के लिए हो जाएगा, तीनों के लिए इन द सेंस के पापा मम्मी और दादी के लिए, तो मेरे लिए नहीं हो पाया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपना मैगी करके मैं खा लूँगी, कोई बात नहीं। तो फिर इसलिए उन लोगों के लिए मैंने बना दिया था। एंड पापा ब्रेकफास्ट करके नहीं गए, लेके चले गए, क्यों लेट हो गया था तो वो लेके चले गए, वो खा लेंगे। एंड लंच मैंने आज नहीं बनाया क्योंकि मम्मी बोली वो लंच आज बनाएगी, एंड इसलिए पापा किसी को भेजेंगे लंच ले जाने के लिए। तो यस, मैं चलती हूँ मैं अपने मैगी के साथ, खाती हूँ गरम गरम, नहीं तो ठंडा हो जाएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए खा के फिर मिलती हूँ। और यहाँ पे दोनों बैठ चुके हैं खाने के लिए, और मैं मेरा यहाँ पे एंडियस, ये दोनों मतलब कि यहाँ पे मम्मी खाना नहीं लाई थी तो दादी को टेंशन हो गया कि मम्मी खाना क्यों नहीं खाएंगी तो देखो इतना ज्यादा प्यार है, कोई मुझे नहीं पूछता है कि इतना लेट से क्यों बैठी हूँ मैं उस रूम में, काम कर रही हूँ कि खाना खाएगी या नहीं खाएगी। नहीं, चलो भाड़ में जा तो। हाँ, मैं भाड़ में ही रहूंगी ठीक है, चलो Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. My mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. और ये देखो मम्मी ने अपना हाथ क्या किया, ना ना, अरे दिखा ना, देखो जॉम्बी काट दिया कितना बड़ा हुआ है, और ये कल रात को एकदम छील दी। धन्यवाद फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आपने देखा कि पापा चले गए और मम्मी को भी चाय दे के, फिर उसके बाद मम्मी गई नहाने के लिए, पूजा करेगी उसके बाद, तो मेरे कप्स रखे हुए हैं मुझे धोने पड़ेंगे अभी। एंड यस, आज आप सोच रहे होंगे कितने दिनों के बाद मैं छत के ऊपर गई हूँ, तो ये अचानक से झटका मिला कि नहीं ऊपर जाना है यार, क्योंकि अभी मतलब ठंडी चल रही थी ना, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड भी कर रही थी ऊपर जाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी ठंडी लग जाती है, एंड जैसे कि मुझे साइनस का भी प्रॉब्लम है, तो फिर इसलिए। तो एनीवेज, यहाँ पे मतलब कि आज सोची थी कि धूप आएगा, बट धूप आया नहीं है, बट आज पता नहीं बहुत क्लाउडी करके रखा हुआ है, तो इसलिए कोई नहीं, एक तरफ से हो भी। एंड यस, ऊपर से पूरा दिन बैठना पड़ता है तो फिर उसमें भी बहुत टायरिंग लगती है, मतलब कि एक एनर्जेटिक फील नहीं होता है, तो फिर इसलिए, और ऊपर से मैं लेजी भी हो गई थी, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं नहीं चलते हैं, तो थोड़ा सा रूटीन चेंज करने का सोचा है। तो 7 बजे गई थी, अराउंड 8:15 या 8:30 को मैं वापस आ गई थी, तो यही है। तो एनीवेज, चलो मैं अपना काम करती हूँ, मिलती हूँ आपसे बाद में, बाय बाय। पूरा सब कुछ क्लीन वीन हो चुका है, पूरा ऑल डन है। एंड यस, मैं आप लोगों को इस साइड का नहीं दिखाऊंगी क्योंकि कुछ चेंजेस किया हुआ है मैंने।
आप देख सकते हो बोगनविलिया होने लगा है, तो फिर बिलीव नहीं हुआ था कि होगा करके, बट फाइनली इसके आने लगे हैं। एंड ये सी ये पाइनएप्पल के अभी भी हैं, आप देख सकते हो पानी में रखने से ना वो हो ही जाता है, तो इसके जो नीचे वाले हैं वो सूख जाते हैं, जो ऊपर नए नए पत्ते आते हैं वो आ जाते हैं। तो यही है इस साइड का। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज है सैटरडे एंड यस आज है सरस्वती पूजा, तो फिर सोचा आज ही के दिन पे ही आप लोगों के साथ मैं शेयर ही कर लेती हूँ। एंड यस थर्सडे एंड फ्राइडे को मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं की थी क्योंकि कुछ ज़्यादा काम पड़ गया था, तो फिर इसलिए। एंड यस यहाँ पे सब कुछ प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है। तल की मूर्ति है सरस्वती माँ का, तो फिर यहाँ पे उनको बिठा के फूल का माला पहनाया गया है। एंड यहाँ पे आप लोगों को तो पता ही होगा अगर ब्लॉग देख रहे होगे बहुत दिनों से, कि कोई भी त्यौहार होता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये सारा काम करना। एंड हर त्यौहार के तरह सेम इसी बार भी मम्मी उस तरफ पूजा कर रही थी, एंड मैं यहाँ पे चंदन सिंदूर लगा के फिर जो भी फ्रूट्स रखे जाते हैं प्रसाद लगाने के लिए वो रख रही हूँ। एंड उस तरफ जैसे ही मम्मी का पूजा हो जाता है फिर मम्मी इस तरफ का करती है। और यहाँ पे पूजा होने के बाद आरती हुई थी, और यहाँ पे आप लोगों के लिए भी आरती। Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. Happy सरस्वती पूजा to you all। तो आप लोगों ने कैसे मनाया बताना जरूर। और यहाँ पे प्रसाद लग चुका है एंड रेडी टू ईट, तो पहले आप लोगों के लिए, तो फिर एप्पल जैसे ऑरेंज बनाना, केला तो नहीं खा सकती हूँ सॉरी तो इसलिए तो हम लोग खाएंगे अभी, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, ऑलरेडी हो चुका है 11:30 हो चुका है, तो फिर इसलिए मैं उसके बाद मिलती हूँ। बाय बाय। देखो क्या पी रही है वो दूध का बॉटल लेके। तू ना आती नहीं है, तू ना आएगी तब ना चेंज होगा तेरा ड्रेस। लड़की क्या वो उससे दूध भी पीती है, उसे मेकअप भी करती है। मम्मी मेरा बटर गर्म पानी में करो। क्यों करेगी मम्मी, मेरे को कैरेट खाना है मम्मी, मेरे को देना कैरेट। फ्रीज तो बंद कर दे, इसको खिला बैठ के खा। अरे पकड़ तेरा बटन नहीं। भगवान गया उसका कैरेट। मम्मी मैं कैसे खाऊंगी? देखो इसको देखो कैरेट लेके बैठी। ए मम्मी मम्मी ये लो फेरेरो रोस्टर भी खा ले, ले चॉकलेट खा। अरे बाप रे कौन सा डाइटिंग कर रही तू, बट क्यूट है ये। ये कभी कभी ना मुझे डर लगता है कि कहीं एनिमल ना बन जाए सच्ची का।
पापा डर गए थे इसको, एक दिन रात में सोचे कि इसको लेके ना सोफा के ऊपर रख देंगे, जो हंस रहे थे कि पूछो मत, मतलब पूरे रियल भी लग रही है ना उसके आंखें। इवन लक्ष्मी दीदी भी बोल रही थी ना, हाँ लक्ष्मी दीदी भी बोल रही थी कि ये बहुत एकदम रियल लग रहा है, उसके आंखें एकदम रियल है। हेलो हेलो बोलो सबको, हेलो हेलो। चल बनी एंड कर दे ब्लॉग, बहुत हो गया। चल हेलो फ्रेंड्स, बाय बाय। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ए मम्मी मैं तो ले ले, मेरा हो गया। चलो फ्रेंड्स रखते हैं, आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। देन प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कल मिलते हैं एक टाइम ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।